हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेफे व्लॉग्स। ये पीछे पहाड़ियाँ देख के आप हैरान होंगे मैं कहाँ आ गया हूँ। जैसे मैंने पिछले व्लॉग के अंदर कहा था कि हुल्ज़ा की तैयारियाँ डन हो गई हमारी, अब हम हुल्ज़ा के लिए निकल आए हैं। हम यहाँ एबटाबाद पहुँच गए हैं। अब हम आगे का सफ़र आज कम्प्लीट करेंगे हुल्ज़ा तक का। हुल्ज़ा से भी आगे शायद चल जाइए। हम दिखाता हूँ चलें आपको व्यू कितना प्यारा है, हमारे रूम से कितना प्यारा व्यू मिलता है। ये हमारी यहाँ बालकनी है, सीटिंग के लिए दो चेयर मिली है हमें। ये रोड जा रहे थे वो उधर के लोकल लोगों की गाड़ी है। देखेंगे अभी नाश्ता मंगवाते हैं फिर वो भी आपको कहते हैं। हमने नाश्ता नहीं किया, हम निकल आए हैं इधर के लिए बालाकोट के लिए। हमने नाश्ता पे बालाकोट जाके करते हैं हम अपना थोड़ा सफ़र कर लें, क्योंकि सफ़र हमारा बहुत बड़ा है। उधर देखें वो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, स्नो फॉलिंग हुई हुई है उधर, वो सामने आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारा रूट भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ से नारायणगढ़ फिर बाबूसर टॉप से फिर हम जाएंगे कलाश से आगे, फिर हम जाएंगे गिलगित से आगे उमदा से आगे 2 घंटे का और जाना है फिर। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं ऊपर, नाश्ता करते हैं आप जाके चने ने। ये अब हम बालाकोट पहुंच गए हैं। ये सामने पहाड़ है, देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये किसी भी कैमरे साथ इधर भी देखिए हम अच्छा काफी है। दो दो से मिल जाए, तीन लगातार एक बाइक में जाओ, बहुत प्यारा राइट रहे। बहुत तेज है ये ड्राइव। ये आप अपनी बालाकोट सिटी के अंदर से निकल रहे हैं अपनी मंजिल। ये देखे तो रहे कि हेलो गाइस, अब हमने छिली लिए ट्रांसपोर्ट है जो इधर गाड़ियाँ चलती है वो रेड वाले। ये वो ऊपर चढ़ रही है, देख कितना प्यारा व्यू है। ये इधर की गाड़ियाँ जा रही है, इधर की लोग यूज करती हैं तो बहुत पावरफुल गाड़ियाँ होती है। स्मॉल बस सिविक तो गाड़ी भी नहीं है, पर सिविक भी लेवल है। आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।